अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे जी। तो आप सबका मोस्ट फेवरेट ब्रांड सफ़ायर, और सफ़ायर पे आपको पता है सेल लगने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सा डिस्काउंट स्टार्ट होने जा रहा है। और जी लोग भी पहुंचे हुए हैं आउटलेट पे सिलेक्शन वगैरह करने, बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सफ़ायर की सेल की तो भाई धूम मची हुई है, हर तरफ सफ़ायर की सेल का शोर है। और सेल जो है भी बड़ी ज़बरदस्त सी सेल, अप टू 70% तक का डिस्काउंट स्टार्ट होने जा रहा है। किस डेट को ये सेल स्टार्ट हो रही है तो मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके साथ डेट शेयर की हुई है। अगर तो आप लोगों को डेट नहीं पता तो फिर भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डेट शेयर कर दूंगी। आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच करनी है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर देना। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में ज़्यादातर जो है वो फॉर्मल आर्टिकल कवर किए गए हैं। अब डिस्काउंट जो है वो किन किन आर्टिकल के ऊपर होगा तो ये मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि अभी कुछ भी मेक श्योर नहीं हुआ कि कौन कौन सी वैरायटी जो है वो डिस्काउंट में होगी। अपडेट आपके साथ शेयर करने का जस्ट यही मकसद है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको सेल के बारे में पता ही नहीं चलता और सेल लगने के बाद ख़त्म भी हो जाती है और बाद में आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सेल कब लगनी है। तो इसलिए मैं प्रॉपर जो है डेली बेस पे आपके साथ अपडेट शेयर कर रही हूँ। और ये जो सेल है इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 24 को ये सेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारे जो है ना, मैंने भी खुद वीडियोस वगैरह देखी, कुछ मोहतरमा ने वीडियोस वगैरह लगाई हुई थी 19 की, 18 की, तो अब 19 भी गुजर गई है, 18 भी गुजर गई है, तो 24 को ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 24 को ही ये सेल स्टार्ट होगी। तो भाई आप वीडियो गौर से सुन लिया करें, देख लिया करें। वैसे मैं हर वीडियो में डेट बताती हूँ, बट फिर भी आप लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सेल किस डेट को स्टार्ट हो रही है, तो मैं अपडेट आपके साथ डेली बेस पे सेल की शेयर कर रही हूँ। और प्रॉपर जो है डिस्काउंटेड प्राइस वो मैं मेंशन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी बिल्कुल भी मेक श्योर नहीं है, कुछ भी मेक श्योर नहीं है कि कौन से आर्टिकल के ऊपर कितना डिस्काउंट होगा। तो पहले से ही मैं आपको कोई भी फेक चीज़ बता दूं कि ये आपको 50 में मिल जाएगा या 70 में मिल जाएगा तो ये गलत बात है। जस्ट आपके साथ अपडेट शेयर करना ज़रूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि आप लोगों की बुकिंग होती है, बहुत सारे लोगों की बुकिंग भी हो चुकी है सेल के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सेल स्टार्ट होगी और आपकी शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सेल है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता है कि ये सेल कहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो जनाब ये सेल आपको हर स्टोर पर मिल जाएगी, यानी कि आल सिटी में जहाँ जहाँ पे सफ़ायर की आउटलेट है, हर आउटलेट पर आपको सफ़ायर की सेल मिल जाएगी। अब डिस्काउंट जो स्टार्ट हो रहा है वो बताया तो यही जा रहा है कि अप टू 70% तक का डिस्काउंट है, बट 70 का तो आपको पता है नाम ही होता है। 70 में कुछ आपको लास्ट ईयर वाले कोई पुराने वगैरह आर्टिकल जो है ना वो मिल जाएंगे, और वो भी स्टिच में, ठीक है। अनस्टिच में तो कभी इनका 70% डिस्काउंट नहीं हुआ। हाँ, फॉर्मल आर्टिकल के ऊपर 50% का डिस्काउंट हो सकता है। ज़्यादातर इनका जो डिस्काउंट है ना वो 50 और 30 का होता है। 30 जो है वो इनकी अनस्टिच वैरायटी के ऊपर होता है। आपको पता ही है, अगर आप सफ़ायर के फ़ैन हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, तो इन सब बातों का आपको पता ही होगा। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबको पता नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेरी प्यारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं होता, तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी समझती हूँ। अब ये जो आर्टिकल आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके ऊपर भी डिस्काउंट आएगा, क्योंकि अभी इनके पास कोई और मतलब डिस्काउंट आर्टिकल जो है ना स्टॉक नहीं आया स्टोर पर। लेकिन एक्चुअली होता ऐसे ही है, हर दफ़ा ऐसे ही हमारे साथ होता है, मतलब जो स्टॉक डिस्प्ले होता है ना वो हमें लगता है कि ये सारा डिस्काउंट में आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो जो जब सेल लगती है, सेल से 2 दिन पहले प्रॉपर जो है ना डिस्प्ले हो जाता है जो सेल वाले आर्टिकल होते हैं वो वाले। अब इनमें जो है ना देखना ये है कि इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें डिस्काउंट में मिलेंगे, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है जो हमें डिस्काउंट में मिलेगी। मे बी कि अभी जो रिसेंटली ही वैरायटी आई थी वो डिस्काउंट में ना हो, लेकिन वॉल्यूम 1 वाली सारी वैरायटी जो है ना वो डिस्काउंट में आएगी इंशाल्लाह ताला, ये कन्फर्म है। तो कुछ आर्टिकल ऐसे भी होंगे जो कि लास्ट ईयर वाले, या जैसे कि जब इनकी सेल लगी थी एंड ऑफ सीज़न की, उसमें जो आई थिंक कॉटन के थे, कैम्ब्रिक कॉटन वाले आर्टिकल, वो भी होंगे। और वॉल्यूम 1 की तो सारी वैरायटी जो है ना जितनी भी इस वक्त स्टोर पर अवेलेबल है वो डिस्काउंट में होगी, और अल्लाह करे इनके ऊपर भी डिस्काउंट आ जाए। वैसे ये इनकी बड़ी खूबसूरत वैरायटी है, और दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, ये सेल 24 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगी।
और अगर आप लोग मज़ीद अपडेट जानना चाहते हैं तो आपने मदावा टीवी के साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि मज़ीद जो भी अपडेट होगी, अगर डेट में कोई भी होती है चेंजिंग, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा भी रहे होते हैं सेल के हवाले से या फिर अपडेट के हवाले से, क्योंकि अब देखिए हर एक को तो नहीं पता होता इन चीज़ों का, लेकिन जब जो बंदा जिस फील्ड में होता है, जब हम इस फील्ड में हैं तो हमें इन चीज़ों की मतलब आगाही मिलती रहती है। तो एडवांस में बताने का यही मकसद होता है, ताकि आप लोग अपने बजट को मेनटेन कर सकें, अपने टाइम टेबल को सेट कर सकें। तो आई होप कि आपको सारी डिटेल जो है वो समझ आ रही होगी, और हाँ अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने इग्नोर करना है काइंडली। कुछ मेरी बहनें जो हैं वो नाराज़गी का भी इज़हार कर रहे होते हैं किसी ना किसी बात पे, तो आप तो यार फैमिली हैं, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, अब आप ये जो सूट देख रहे हैं ना, ये आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो पता चल जाएगा। बस आपने कनेक्टेड रहना है मदावा टीवी के साथ, डेली बेस पे आप विज़िट करते रहिएगा, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर बुकिंग वगैरह करवानी है आपने, स्पेशली अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उसके लिए आपने फटाफट से रब्ता कर लेना है व्हाट्सएप नंबर पर। रब्ते के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप फ़ौरन नंबर मिलाएं और अपना ऑर्डर फाइनल कर दें। तो यहाँ पे जो सूट हैं ये आपको कुछ जगाट में, डॉबी स्टफ में, लॉन में, ये ज़्यादातर जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में ज़्यादातर फॉर्मल वैरायटी को कवर किया गया है, उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें ज़्यादातर प्रिंटेड वैरायटी को कवर किया गया, तो अब मैंने सोचा क्यों ना फॉर्मल की भी, बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि फॉर्मल वैरायटी को भी कवर किया जाए, तो वो भी मैंने इस वीडियो में कवर की है। लेकिन सारी वैरायटी तो कवर नहीं की, जो मुझे लगा मतलब जो अपडेट मिली कि कुछ आर्टिकल जो डिस्काउंट में होंगे, जस्ट वो ही आपके साथ शेयर किए हैं। अब एक चीज़ और सामने आती है, वो ये है कि जब सेल लगती है तो आप लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि ये आर्टिकल जो है स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, तमाम स्टोर पर ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक सेम ही हो, क्योंकि कुछ स्टोर पर स्टॉक जो है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है जब सेल आती है, तो फिर वो आर्टिकल तो होते ही नहीं है। या फिर अगर आपके मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मे बी के स्टोर भी छोटा हो, और ये भी डिफरेंस हो सकता है, स्टॉक इसलिए भी कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बड़े स्टोर जो होते हैं वहाँ पे स्टॉक ज़्यादा होता है, तो थोड़ी डिज़ाइन भी चेंज ही होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आई थिंक कॉटन सॉटन नहीं, सॉरी, देखने में ये कॉटन सॉटन लग रहा है, बट इसके ऊपर जो मेंशन है ना, ये लॉन लिखा हुआ है, लॉन स्टफ में कढ़ाई वाला ये सूट है, प्रॉपर थ्री पीस ये आउटफिट है। अब आपको जो स्टफ मिल रहा है इस वक्त स्टोर पर, वो जैकार्ड स्टफ है, डॉबी स्टफ है, लॉन स्टफ है, अनस्टिच वैरायटी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी, स्टिच भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, और कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं जो आपको अनस्टिच में मिल जाएंगे और स्टिच में भी मिल जाएंगे। और ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये प्योर दुपट्टे के साथ कढ़ाई वाला सूट है, ये लॉन का है, थ्री पीस। अच्छा, जो इनके थ्री पीस 35-34-90 वाले ना, इस तरह की रेंज में, वो तो आपको बहुत ही कम रेंज में मिलेंगे, बट वो कैजुअल में। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, जैसे कि आपको पता है बकरा ईद जो है, समझें कि वो आने वाली है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि बकरा ईद के लिए जो शॉपिंग आपने करनी है ना, वो डिस्काउंट में से करनी है। इससे क्या होगा कि आपके एक तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे भी बच जाएंगे, अगर 50 में आप कुछ परचेज़ करते हैं तब भी, और 30 में करते हैं तो तब भी। आप खुद स्टोर विज़िट करके करें, अगर आप विज़िट कर सकते हैं आपकी सिटी में आउटलेट है तो। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि स्टिचिंग करवाने में आपको आसानी रहेगी, आप ईद से पहले पहले स्टिचिंग वगैरह करवा लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि जब भी मतलब ईद होती है या कोई इवेंट वगैरह होता है, तो हम अर्जेंट कुछ परचेज़ करते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, या हमें स्टिचिंग जो है वो टाइम पे मिलती नहीं है, स्टिच हमारा सूट होता नहीं है, तो आप देखें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए भाई आपने ये बात माइंड में रखनी है, सेल से शॉपिंग करनी है, और अभी से ही आप लोगों ने ईद के लिए तैयारी कर लेनी है, या फिर कोई भी इवेंट वगैरह आ रहा है, जैसे आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा शादियां वगैरह हो रही हैं, आपने किसी भी वलीमे पर जाना है, शादी अटेंड करनी है, मेहंदी पे जाना है, हर तरह की वैरायटी जो है ना वो आपको सफ़ायर के स्टोर पर मिल जाएगी। तो मुझे दें इजाज़त, प्रॉपर वीडियो वॉच करके जाइएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।